ये तो एक द्रोणाचार्य के हाथ बांधने वाली बात हो गई कि द्रोणाचार्य खुद के चक्कर में खुद फंसता है। सोशल मीडिया बहुत बुरी तरह से हमारे बच्चों के कैरियर को नुकसान पहुंचा रहे हैं और इसमें मीडिया का जो एक बड़ा रोल ये है कि मीडिया के अंदर कुछ भ्रामक तथ्य दिखाए जाते हैं। सोशल मीडिया अलग तरीकों से फायदेमंद भी है अगर इसका सही यूटिलाइजेशन दिया जाए तो, लेकिन वर्तमान में उनके ऊपर इतनी भ्रामक सामग्री दी गई है जो बच्चों के लिए अहितकर है। और न्यू जनरेशन में बच्चों के हाथ में मोबाइल बैलेंस देते हैं तो उससे बच्चे वो सब कुछ देख रहे हैं जो नहीं देखना चाहिए और इसका सीधा इफेक्ट उनकी एजुकेशन के ऊपर पड़ रहा है जो कि गलत है। जी बिल्कुल नहीं, अच्छी एजुकेशन के लिए पैसा मायने नहीं रखता है। एक अच्छा इंस्टीट्यूट और एक अच्छे संस्कारवान टीचर्स के लिए मायने रखते हैं। समाज में अच्छे टीचर्स जहाँ होते हैं तो मेहनत करने वाले चाहे कम पैसे का बच्चा भी हो वो भी अच्छी पढ़ाई पढ़ सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत सारे समाज में हमारे पास ऐसे उदाहरण हैं जो कम पैसे में मेहनत करके और ग्रामीण इलाके दूरस्थ जहाँ पर ऐसा नहीं है कि उनके पास पैसा है, उन्होंने अच्छा नाम रोशन किया है अपने परिवार का, समाज का और देश का। तो इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि बड़े इंस्टीट्यूट या बड़े पैसे दे के आप शिक्षा को देख सकते। पूरा सपोर्ट करूंगा, जी जान से सपोर्ट करूंगा, क्योंकि बात आत्मसम्मान की और शिक्षक के सम्मान की है। मैं आपको बताना चाहूंगा, एक दिन मैंने मैसेज पढ़ा था और वो मैसेज टीचर्स के रिगार्डिंग था कि हम जो गुरु पद्धति जो हमारी प्राचीन पद्धति है जिसको लेकर भारत जाना जाता है विश्व गुरु के रूप में, हमने अपने आप को खड़ा किया था, लेकिन वर्तमान में इतना ज़्यादा गुरु का असम्मान होने लग गया है कि मैं नहीं समझता कि ये शिक्षा नीति भारत के लिए उचित होगी। लेकिन विदेशों में आज भी शिक्षक के देश का ऐसा उदाहरण है कि किसी कारणवश एक शिक्षक का चालान काटा गया और उसे कोर्ट में जाना पड़ा। तो कोर्ट में उसे पूछा गया कि आप क्या करते हैं जिसके द्वारा, उन्होंने कहा कि आई एम टीचर, और तब वहाँ जो न्यायाधीश थे वो खुद खड़े हुए और उन्होंने कहा कि सभी जो अथॉरिटीज़ जो थी उनको डांट लगाई। ये बड़ा हमारे लिए शर्म की बात है कि किसी देश का शिक्षक कोर्ट में खड़ा है। तो जब देश के शिक्षक के सम्मान में विदेश के लोग इतने सोच सकते हैं तो क्यों नहीं हमारे देश में इस प्रकार की प्रक्रिया चलेगी। विदेश के हमारे देश में प्रतिदिन शिक्षक को असम्मान मिल रहा है तो उसके आत्मविश्वास में, उसकी कार्यक्षमता में इसका फर्क पड़ता है। शिक्षक, कबीर ने भी कहा है हमारे लिए कि शिक्षक एक कुमार की बात है, गुरु कुमार शिष्कुंभ है, घड़ी घड़ी कार्य को अंतर आज सहार दे बाहर बाहरी छोड़। जिस प्रकार के मुद्दे वर्तमान में आ रहे हैं कि शिक्षक के द्वारा मारा जा रहा है, नहीं वो मारा नहीं जा रहा है, वो बच्चे को समझाया जा रहा है, उस बच्चे के बारे में बताया जा रहा है। गुरु का उद्देश्य कुमार की तरह उसको अच्छा बनाना है, उस चोट को आप चोट मत समझिए, उस फटकार को आप फटकार मत समझिए, वो आप में सुधार की बात है। अंदर से वो आपको सहारा दे रहा है, ये कितना अच्छा पात्र बना रहा है कि जीवन भर एक आप ठंडा पेज बना के दुनिया को संतुष्ट करेंगे और दुनिया आपको एक अच्छे चरित्र के रूप में जानेगी। शिक्षक का ये नियम ने शिक्षा की तरजीह बना दी। जब बच्चे को ये पता चल जाएगा कि मैं फेल नहीं हो सकता तो क्यों पढ़ेगा वो, क्यों वो आगे आएगा, वो तो निर्भीक हो चुका है कि टीचर मेरा कुछ नहीं कर सकता है, पास करना उनकी मजबूरी है। तो जब बच्चे के मन में ये आ जाएगा तो नहीं पढ़ पाएगा। आप बच्चे की इस नीति को बदलना होगा, इस नियमों का हम विरोध करते हैं और वर्तमान में अब जाके सरकार को बात समझ में आई है, अब जाके इन्होंने पांचवी बोर्ड और आठवीं बोर्ड जैसे नियम लगाए हैं, लेकिन अभी भी इसमें सुधार की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। बच्चों को ये डर होना चाहिए, क्यों हम प्रयास क्यों कर रहे हैं, क्या आपको अपने शिक्षा के ऊपर विश्वास नहीं है, क्या आपको अपने सिलेबस के ऊपर विश्वास नहीं है कि बच्चा पास नहीं हो पाएगा, क्यों एक पेरेंट्स बच्चे को भेजता है। कारण यही है कि उसको पास करना
हमारा उद्देश्य नहीं है, उसमें उन गुणों को उस आधारित शिक्षा को मूलभूत शिक्षा को आना चाहिए। सेकंड, इसके साथ ये भी जोड़ना चाहूँगा कि जो हरेसमेंट वाली बात आप करते हैं, जिन कानूनों को आप लेके आए हैं कि हमें बच्चे को मारना नहीं चाहिए, पीटना नहीं चाहिए, तो किसी भी टीचर की कोई व्यक्तिगत दुश्मनी किसी बच्चे से नहीं होती है। जब आप बच्चे को अभिभावक एडमिशन कराता है, उस दिन से हम बच्चे को जानना लगते हैं और उस दिन से उसकी हर प्रक्रिया के बारे में हम चिंतित हो जाते हैं। बच्चे का हेयर स्टाइल कैसा है, बच्चे का वेरिंग सेंस कैसा है, बच्चे के एटिकेट्स कैसे हैं, और हम उनके बारे में उनको मना करते हैं। और यही माँ बाप करते हैं। माँ बाप आता ही इसी उद्देश्य से है कि घर पर जब वो ठीक नहीं हो पाता तो बच्चे को सुधारने के लिए हमारे पास लेकर आते हैं, संस्कारवान बच्चे को बनाने के लिए लगाते हैं। उसी प्रक्रिया में ये सब चीज़ें होते हैं। और ग्रंथों में भी इसका उल्लेख है, बैविन प्रीतन होई गोसाई। तो निश्चित रूप से बैर से ही बच्चे का पढ़ाई के प्रति वो थोड़ा सा प्रेरित रहता है, चिंतित रहता है और वो आगे पढ़ाई कर पाता है। तो इस एक्ट के लिए तो मैं कतई इसके समर्थन में नहीं हूँ, इस एक्ट में सुधार होना चाहिए और निश्चित रूप से बच्चों को उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण होने का ज्ञान होना चाहिए ताकि वो इसके बारे में पढ़ सकें। निश्चित रूप से फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहूँगा मनोज भैया को, और वो बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने एक ऐसे सोशल इश्यूज को उठाया है जिसको आज तक किसी ने टच नहीं किया। और लास्ट फिल्म भी इनका बहुत अच्छा रहा, उसमें भी हमने कॉन्टेक्ट किया और सभी स्कूल डायरेक्टर, टीचर्स और जो स्कूल एजुकेशन से जुड़े हुए जो लोग हैं, एजुकेशन के जो एक्सपर्ट हैं, उनको कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको आगे बढ़ाएं, इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं और सभी बच्चों को इसको दिखाएं कि जिस समाज में अगर आपको रहना है तो उस समाज को तैयार भी आपको करना होगा। क्योंकि बाहर बहुत सारी विसंगतियाँ आप समाज में ऐसी आ गई है जिनके कारण बच्चों के भी दुष्प्रभाव पड़ गए हैं और वो इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे। तो हमारा मिशन होना चाहिए कि हम इसको आगे बढ़ाएं और जो प्रयास हम कर रहे हैं शिक्षा देने का, जो एक उत्तम कार्य की श्रेणी में आता है, उसको और अच्छी तरह कर सकें, एफर्ट्स लिए तो एक सुरक्षित माहौल हमको मिल सके, एक आत्मसम्मान का माहौल हमको मिल सके, इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। और आप सबसे कहना चाहूँगा कि इस मैसेज को, इस फिल्म को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और समाज में इसको ज़्यादा देखने के लिए लोगों को प्रेरित करें। फिल्म एक बहुत अच्छा सशक्त माध्यम हो सकता है समाज में, क्योंकि विजुअलाइजेशन एक ऐसा पार्ट है जो बच्चे को जल्दी देख कर समझ आता है। आज की शिक्षा पद्धति में विजुअलाइजेशन को माना गया है कि विजुअलाइजेशन से बच्चा जल्दी सीखता है, तो फिल्म बच्चे के मानसिक स्तर को तैयार करने के लिए एक बड़ा माध्यम है। तो अगर उसी इश्यू पे एक फिल्म है तो हमें निश्चित रूप से ऐसी फिल्मों को सपोर्ट करना चाहिए, ऐसी फिल्में समाज में बढ़नी चाहिए ताकि समाज के भविष्य को निखार सके। सेकेंडली, एजुकेशन डिपार्टमेंट को मैं कहना चाहूँगा कि इस प्रयास में उनका भी सहयोग होना चाहिए। नियम बच्चों की जहाँ तक डांटने की बात है, फिजिकल हरेसमेंट और मेंटली हरेसमेंट है, दैट इज रॉन्ग, आई सपोर्ट इट। और रूल्स में लाने के लिए अगर टीचर ने उसको कुछ कहा है तो दैट इज गुड, हम उसको सुधारने के लिए बैठे हैं, हमारी उससे कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, हम केवल उसका सुधार चाहते हैं जो पेरेंट्स भी चाहता है। ये तो एक द्रोणाचार्य के हाथ बांधने वाली बात हो गई कि द्रोणाचार्य खुद के चक्कर में भी खुद फंसता है, तो ये गलत है, हमें इसको सुधार करना होगा। डांटना बुरी बात नहीं है और डांट से अगर बच्चा सुधरता है तो दैट इज़ वेरी गुड, और टीचर की डांट तो बड़ी अच्छी होनी चाहिए। मैं खुद थैंकफुल हूँ मेरे टीचर्स के लिए कि उन्होंने मुझे डांटा, तो आज मैं इस स्टेज पे हूँ, और डांट करती तो शायद वो भी है। निश्चित रूप से मैं अनमोल जी को बहुत बहुत हार्दिक रूप से आभार प्रकट करूँगा, उनको बधाई देना चाहूँगा और 100 out of 100 मार्क्स देना चाहूँगा इस काम के लिए कि उन्होंने समाज के ऐसे विषय को उठाया है जो बड़ा ही चिंता का विषय है। अगर विद्यार्थियों को किसी देश का विकास अगर रुक रहा है तो वो हमारी शिक्षा प्रणाली के विकास के कारण रुक रहा है। इसके लिए मैं हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ अनमोल जी का कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया समाज के लिए।